अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है। मेरे को कोई आइडिया नहीं है ये वीडियो कैसे शूट होने वाला है, क्या होने वाला है, क्योंकि ये मेरा ब्लॉग का मोटिव नहीं है कि मैं ऐसा शूट करके ब्यूटीफुल चीज़ें दिखाऊँ। मैं जो भी मोमेंट्स ऐसा कैप्चर कर पाऊँगा मैं करूँगा, बट मेरा मेन इम्पोर्टेंस इज़ नॉट ब्लॉगिंग। तो थोड़ा सा आप लोगों को अगर ऐसा लगे कि मैं अच्छे से नहीं दिखा पाया तो माफ़ कर देना पहले, बट मैं ट्राई करूँगा जैसे भी जो भी दिखाना है दिखा सकूँ। तो अभी हम लोग ने चेक इन कर लिया है, जैसे कि आप लोगों को हमारे कपड़े और टाइटल देख के पता चल गया होगा कि हम लोग उमरा करने जा रहे हैं। तो बहुत ही मतलब होलसम फीलिंग है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कैसी फीलिंग है। कल रात से सोए नहीं हम लोग, क्योंकि वो एक एक्साइटमेंट होती है ना, सब पिकनिक जाते हैं हम लोग स्कूल में भी और या कुछ भी ऐसी चीज़ें करते हैं जो आप लोग एक्साइटेड होते हो तो नींद नहीं आती। वैसे हम लोग सोए नहीं है बिल्कुल भी, आँखों में दिख रहा होगा, बट कोई नहीं, इंशाल्लाह अभी सफ़र शुरू होता है। बहुत ही सारे अच्छे अच्छे लोग हैं हम लोग, मेरी फैमिली है, भाईजान की फैमिली है, गौहर भाभी की फैमिली है, सब मस्त एकदम साथ में है, बहुत मज़ा आने वाली है। सब मतलब ऑलमोस्ट 80% लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो सबके लिए बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होगा। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगे। तो मेरे साथ सुल्तान भी है, मेरे को बहुत खुशी हुई जब मैंने सुना सुल्तान भी आ रहा है, क्योंकि हम लोग स्विट्ज़रलैंड भी जा रहे थे तो सुल्तान बोला था मैं आऊँगा जल्दी, साथ में आऊँगा, और आते साथ ही वो बोला मैं आ रहा हूँ अभी। तो बहुत कल रात तुमको कब पता चला? मेरे को पता आ गई थी अपने को खबर, खबर आ गई थी। और ये मैं YouTube के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं जैसे मेरे को डॉक्यूमेंट करना पसंद है तो मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। मेरे साथ में मेरे मम्मी डैडी है, नगमा दीदी है और सब है। तो अभी हम लोग गेट के पास आ गए, हम लोग ने नमाज वमाज भी पढ़ लिया है, नियत भी कर ली है, नियत तो घर से करके निकले थे, बट अभी बोर्डिंग के लिए वेट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हो जाएगा 10 मिनट के अंदर बोर्डिंग, तो एक बार बोर्ड करते हैं और फिर अंदर क्या है प्लेन का माहौल दिखाता हूँ थोड़ा। तो अभी हम लोग प्लेन में बैठ चुके हैं, 4 hours 30 minutes की फ़्लाइट है शायद। हम लोग बहुत स्लीप डिप्राइव्ड है, बिल्कुल भी सोए नहीं है 2 दिन से, 1-1.5 घंटे की थोड़ी सी नैप लेंगे और फिर बाद में इंशाल्लाह जो भी रहेगा मैं दिखाऊंगा। मैं ज़्यादा शूट नहीं कर रहा हूँ। तो अभी हम लोग काबा शरीफ के सामने है एकदम, और ईशा की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही मतलब ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस है ये। मैं रुक गया, मैंने बोला यहाँ ही घुस जाते फास्ट एकदम नज़दीक, जितना नज़दीक हो सकता है उतने नज़दीक चले जाते हैं। सुल्तान भी है यहाँ पे, अंकल के पीछे सुल्तान खड़ा है। मैंने सुल्तान को बोला एकदम फास्ट जाते हैं, एकदम आगे की सफ़ में आके खड़े हो जाते हैं, बार बार तो मौका मिलता नहीं ऐसा।
पार्टी लेना पड़ा। इतना आसान नहीं है जितना लगता है, बट इंशाल्लाह अल्लाह सबको ताकत दे करने की। मेरे लिए मेरे बाल सबसे अजीज़ चीज़ है मेरे लिए, बट भाई इतनी बड़ी जगह पे तो थोड़ी हिम्मत करके कर लेते हैं। पता नहीं ऐसे बिल्कुल भी मन नहीं है मेरा, बट अंदर से ऐसा फीलिंग आ रही है कि कर ले बट कर लेते हैं। ठीक है, शहजी भाई को देखो। ये हम लोग ने अभी एक उम्रा किया है तो हम लोग ऐसे कर रहे हैं, तो दूसरा उम्रा करके हम लोग पूरे बाल उड़ाने वाले। आई नो थोड़ा फनी लगेगा हमें, बट कर लेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के लिए। चलो अब मेरी बारी बाल काटने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो कर लेंगे हम लोग। चलो शहजी भाई ओके। मैं आग बंद कर रहा हूँ, मेरे से नहीं देखा। मैं मतलब सीधा कटेंगे उसके बाद देखेंगे। मेरे को हो रहा नहीं, बुरा नहीं भाई, आनंद मुझे लिए आँख खोल दो। माशाल्लाह प्यारे ही लग रहे हैं। ये जाके मम्मी का रिएक्शन ले बस अच्छी नियत से कराए तो अच्छा ही होगा।
चलो 1 2 3 अरे कब तक आग बंद करोगे? क्या बोलते हैं यार लोग, अभी वो एक दो दिन लगेगा थोड़ा आंखों में बैठने के लिए, दो दिन बाद तो और भी गायब हो जाएगी। फिर क्या टोपी 15-20 दिन के लिए, फिर टोपी गायब अंडरग्राउंड। नवीन को बहुत मजा आएगा, मेरे को चिढ़ाएगा नवीन बहुत। हाँ मम्मी कुछ होगी बोलेगी, छोटे कराने बोलती थी पहले टाइम छोटे कर। कटाया नहीं बाल? कटाया ना भाई, देख मेरे को। कुछ लियो रही बाल नहीं है, माशाल्लाह अच्छा लग रहा है क्या है? हाँ और अच्छे आएंगे बाल। हाँ माशाल्लाह। और हाँ अभी अपने पास बाल में क्या हाथ करूँ, लेकिन अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। और कैसा अभी 6-7 दिन है तो मेरे को ऐसे अभी कल उड़ाएंगे ना पूरे। चलो चलो, तो अभी हम लोग ने एक उमरा किया है, अभी हम लोग नेक्स्ट उमरा करेंगे, तो जितने बच्चे हाँ नकमा दी। चलो ऊपर चढ़ के मजे लेते हैं थोड़ा सुकून से। अभी हम लोग खाएंगे अलबैग खाएंगे, फाइनली असली वाला अलबैग खाएंगे। अपने मुंबई में मिलता है सब, नकली मिलता है, इधर उधर के नाम का मिलता है। तो अभी हम लोग बाहर आ गए और ये थोड़ा डाउनटाउन वाइब दे रहा है, सुक अल बाहर जैसा सुक अल खलील लिखा हुआ है। हाँ एकदम ऐसा प्रॉपर सिटी में हम लोग ऐसे लग रहा है। और कितना प्यारा मस्त मस्त आर्किटेक्चर है, देखो ना अलग अलग है, कुछ ऐसा समझ में भी नहीं आ रहा है। मिलता है ना, बहुत महंगा मिलता है इधर रुकने। इंशाल्लाह देखो वहाँ पे अलबैग। तो गाइस मेरा परसों का सपना पूरा हो गया है, हम लोग अलबैग से खा रहे हैं उमरा करने के बाद माशाल्लाह। यस नकमाल जी की तरफ से यस। ओ जी बेचारी एक घंटे का लाइन में खड़ी थी, बहुत देर से खड़ी थी बेचारी। कोई नहीं इंशाल्लाह सबर का फल टेस्टी होगा। और इतनी बड़ी लाइन थी कि हम लोग सब वेट भी कर रहे थे। ओके चलो अभी खाना खाते हैं, बाय। सलाम वालेकुम, देखो मेरे बाल नहीं देखे। अरे हाँ उसको तो जाने का विचार है। उमरा मुबारक, उमरा मुबारक। ओह माय गॉड, अस्सलाम वालेकुम। ओह नो नो शी इज योर फॉलोअर। कम ऑन मिस्टर फेमस मैन, आर यू आई चेक मिस्टर फेमस मैन। भाई जान कैसा लग रहा है मेरा नया लुक? एकदम गजनी। कल हम लोग और भी गजनी हो जाएंगे। हम लोग ने भी काटा, पर हमने बहुत छोटा छोटा काटा है। कल पूरा टकला हो जाएंगे, सेकेंड उमरा करेंगे तो उसके लिए जगह छोटा। ओके बाय बाय, चलो चलो।
क्या बोल रहा है नहीं समझ रहा है पता नहीं बोल रहा है साइड में जाके डरो बोल रहा है बोल रहा है साइड में जाके डरो सामने खड़े मत रहो एक जगह पे तो अभी हम लोग थक हार के सैरी करने अपने होटल आ चुके हैं तो ये वीडियो यही एंड करते अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा रहेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना वैसे ये मैंने मेरे लिए किया हो क्योंकि मुझे ये चीज़ डॉक्यूमेंट करके हमेशा रखना था और जैसे मैं व्लॉग करता हूँ तो मैं इसलिए व्लॉग करता हूँ ताकि सब एक मेमोरी बन के हमेशा एक इंटरनेट पे एक जगह पे अपलोडेड रहे तो बस वही था ये पहला फर्स्ट उम्रा था मेरा तो बस ऐसे ही था बहुत सुल्तान को बहुत मज़ा आया सुल्तान फुल फ्रेश है एकदम फुल फ्रेश चलो ठीक है बाय अल्लाह हाफिज़ दुआ में याद रखना मैंने भी सबके लिए दुआ किया है अगर मिस हो गई तो अल्लाह उन सब की भी दुआओं को कबूल कर लेना और जायज़ दुआओं को कबूल करना ठीक है चलो बाय।